हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली बेस्ड है ऑन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए हम ये चैप्टर भी पूरा सॉल्व करवाएंगे अपने इंस्टीट्यूट के मैट से, दैट इज ICAI के मटेरियल से। हमने सीए इंटर ग्रुप वन अकाउंट्स का ऑलरेडी 2 फुल चैप्टर का लेक्चर अपलोड किया हुआ है, जिसपे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है स्टूडेंट से। पहला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एंड सेकंड है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की क्लास भी अपलोड की हुई है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से वो क्लास कर लेना। अच्छा, एक मेरी अब रिक्वेस्ट है बच्चों से। अभी तक किसी भी लेक्चर में हमने ये नहीं बोला कि अगर आपको हमारा लेक्चर प्रॉपर समझ में आता है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बट आज के क्लास में स्टार्टिंग हम इस चीज़ से करना चाहते हैं कि अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम CA इंटर ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2 के अकाउंट्स के कई सारे चैप्टर्स अपलोड करेंगे टाइम के साथ। तो अगर अभी आपका नवंबर अटेम्प्ट है फॉर फर्स्ट ग्रुप, तो नो डाउट सेकंड ग्रुप आपका मई 2021 में ड्यू होगा। तो उसके लिए भी हम कई लेक्चर्स बहुत जल्दी अपलोड करने वाले अपने चैनल पे। तो अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक, अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली हमने बताया बेस्ड है ऑन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अगर इस चैप्टर की बात करें तो एग्जाम में मान करके चलो कि इससे कवरेज होगी होगी, एंड मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 10-15 मार्क्स की कवरेज हो सकती है। इससे पूरा पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एंड बेसिकली ये हमारा थर्ड मॉड्यूल का पार्ट है। जैसा हम सबको पता होगा कि हमने इसके पहले जो चैप्टर्स डील किए थे वो सेकेंड मॉड्यूल था, ये हमारा थर्ड मॉड्यूल का पार्ट है, जिसमें बेसिकली अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की बात करें तो मान करके चलो कि इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जनरली आप लोगों को लगता है कि ये चैप्टर बहुत लेंदी है तो आप स्किप कर देते हो, बल्कि इसकी 1-2 प्रैक्टिस से ही एटलीस्ट ये 10-15 मार्क्स की बहुत ही ईजिली आप कवरेज कर सकते हो। ठीक, अच्छा, इंस्टीट्यूट की मैट हम सबके पास है, ICAI की मैट। हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सारे न्यूमेरिकल वहीं से सॉल्व करवाने वाले हैं, तो इसीलिए हमने अलग से कोई शीट अपलोड नहीं की है कहीं। आप जब मेरा क्लास करोगे तो साथ ही साथ आप अपनी ICAI की मॉड्यूल अपने साथ रखना, सो दैट वहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सके। बट पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। देखो, अगर हम लोग बात करें अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की, तो इसको हम लोग और क्या कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। और नाम से ही समझ में आ रहा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है ये। किसका? अकाउंट्स का। जो हमने अकाउंट्स मेंटेन किया है उसका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब सिंपली ये ऐसे अकाउंट्स होंगे जिन्होंने ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो ही नहीं किया होगा, दैट इज ड्यूअलिटी सिस्टम को फॉलो नहीं किया होगा, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया होगा। हम लोग क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर हम लोग अकाउंट्स की बात करें तो हम लोग हमेशा हर एक ट्रांजेक्शन का एक डेबिट करते हैं तो एक क्रेडिट करते हैं, दैट इज ड्यूअल सिस्टम फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। बट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में ऐसा नहीं होता। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक जगह तो रिकॉर्ड करते हैं बट दूसरी जगह रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं या उसको स्किप कर देते हैं। क्लियर? तो ये है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की। हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो कैसी इन्फॉर्मेशन होगी बेटा? आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होगी। एंड सिंपली बस हमें इतना ध्यान रखना है कि वहाँ पे ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट को, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता। क्लियर? अच्छा, अब देखो, अल्टीमेटली चाहे कोई अकाउंट्स कंप्लीट रिकॉर्ड्स हो, मतलब जहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाए, या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो, अल्टीमेटली हम ये जो बुक्स बनाते हैं हमें उससे क्या फाइंड आउट करना होता है। हम जो भी अकाउंट्स में बुक्स बनाते हैं बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना होता है बेटा? प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा हमेशा मोटिव होता है कि हम उसे प्रॉफिट अर्न करें। बट अगर हमने बुक्स मेंटेन नहीं की है तो हमें एट द एंड कभी नहीं पता चलेगा कि इस बिजनेस से हमें फायदा है या नुकसान। अगर लॉस है तो हम बिजनेस डिसकंटिन्यू करेंगे, और प्रॉफिट है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है। तो सिंपली चाहे कंप्लीट रिकॉर्ड्स हो चाहे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो,
हमें एट द एंड ऑफ द डे किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आइदर प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है? इस पूरे चैप्टर में ना हम लोग यही फाइंड आउट करेंगे कि जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हमारे पास है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, उसकी हेल्प से हम अपना प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करें। क्लियर है? तो अब हम जो बताएंगे वो आप प्लीज कहीं नोट कर लेना, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को बाइफरकेट करने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा हम एक और बात बताएं, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की क्लास की है या कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्लास की है, उन्होंने स्टडी मैट से भी मैच किया होगा। कई सारे क्वेश्चंस में बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैम मैट में तो ऐसे सॉल्व कराए और आपने बोर्ड पे दूसरे तरीके से सॉल्व करवाया। मेरा हमेशा ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो सेम पैटर्न के क्वेश्चन है ना, उनके लिए हम आपको एक ही मेथड बताएं, एक ही स्पेसिफिक मेथड बताएं, सो दैट आपको कोई भी चीज मार्कअप ना करनी पड़े एंड सेम पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन आए आप बहुत ही इजिली सॉल्व कर लो। इंस्टीट्यूट की मैथ में भी आंसर बिल्कुल सही है, बस वहां पे होता क्या है कि वो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आपका मार्क्स का डिडक्शन नहीं होगा। और हमारा हमेशा यही चीज रहता है कि एक सब्जेक्ट आपके पास नहीं, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए। तो आप सिंपली हमेशा याद रखना कि अगर हम बोर्ड पे कोई चीज करा रहे हैं तो मेरा मोटिव ये होता है कि सेम पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए हम एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो करें, एक ही मेथड फॉलो करें, सो दैट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो पैटर्न याद रखना हो बल्कि हर क्वेश्चन के आंसर नहीं। ठीक है, चलो अब देखो। अब हमने ये तो बता दिया बेटा कि अगर हम लोग बात करें अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की, तो इससे अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, और प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए कई सारे हमारे पास तरीके दिए हैं। देखो, दो तरीका है, एक विदाउट प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट एंड दूसरा है विथ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। अब ये क्या है, हमने ये चीज बोला कि अगर हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करनी है किसकी हेल्प से, विद हेल्प ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है या दो इस चैप्टर में पैटर्न है। पहला है जहां फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, सीधे सीधे हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, और दूसरा है विदाउट प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें अल्टीमेटली हमारे पास एक ही मेथड है जिसको हम लोग अभी हम सिर्फ और सिर्फ मेथड बता रहे, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग नेट वर्थ मेथड भी बोलते हैं या और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी बोलते हैं। दोनों मेथड को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसको हम नाम दे रहे वन का और इसको नाम दे रहे बेटा टू का। पहले हम तुम लोग को ये बताने की कोशिश करें कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। अगर हम लोग बात करें विदाउट प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट की, तो इसमें तीन पैटर्न पे क्वेश्चन है। पहला तो बेसिक्स क्वेश्चन है, फिर हमें एक कॉन्सेप्ट बताना है डेप्रिसिएशन का, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, और लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट होगा लैग पीरियड का। ये इस तरीके से हमने इसलिए क्लियर किया है सो दैट आपको ये पता चल जाए कि कितने पैटर्न अल्टीमेटली हमारे पास है। क्लियर? तो हमने बोला कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, पहला विदाउट प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट एंड दूसरा है विद प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम लोग इंस्टीट्यूट की मैथ में देखें तो हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं और कई सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिनका हम यहाँ पे बाइफरकेशन कर दे रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन पहले मेथड से रिलेटेड है, कौन सा सेकेंड से रिलेटेड है और किसके अंडर है। ठीक है, वो चीज़ प्लीज आप मेंशन कर लेना सो दैट एग्जाम में रिविजन भी आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करके जा पाओ। इस कैटेगरी पे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स के। जो पहला चार एग्जाम्पल्स है ना बेटा वो इसी टॉपिक पे है और इस टॉपिक पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक भी नहीं दिया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं बेसिक्स की। तो बेसिक्स में एग्जाम्पल नंबर 7, 8 ये बेसिक्स पे है और प्रैक्टिकल के, अगर प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखना क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये बेसिक्स पे। ठीक, डेप्रिसिएशन प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की अगर बात करें तो इस पे मेरे पास है एग्जाम्पल 5, 6, 7। एग्जाम्पल की बात किया मेन क्वेश्चन की नहीं, और लैग पीरियड पे
प्रैक्टिकल क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, ये दो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है बेटा लैग पीरियड पे, क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है। तो ये हमने इसलिए बाइफरकेशन बताया है सो दैट हम हर एक टॉपिक पे आपको दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करवा पाए और दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे पाए। तो हम लोग इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज विदाउट प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। और बहुत ही सिंपली हम यहाँ पे ये भी क्लियर कर दें कि क्योंकि हमारे पास ओवरऑल अगर देखा जाए दो पैटर्न है, बट दो पैटर्न में फर्दर चार चीजें हैं इसको मिला करके, तो हम चार क्लास अपलोड करेंगे। पहली पहले लेक्चर पे विदाउट प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, देन विद प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट में बेसिक्स, देन डेप्रिसिएशन, देन लैग पीरियड, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज विदाउट प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा अपना फर्स्ट पैटर्न, एंड फर्स्ट हमारा क्या था, विदाउट प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, फाइनल अकाउंट का मतलब तो होपफुली तुम सबको पता होगा, फाइनल अकाउंट हमने बताया नहीं। फाइनल अकाउंट मतलब क्या, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, यही होता है ना बेटा फाइनल अकाउंट। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ना तो हमें ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ेगी। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपना प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, ठीक। अब देखो, प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमने इस मेथड को नाम क्या दिया है, नेट वर्थ मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, यही है ना बेटा। इस मेथड को हम लोग नेटवर्थ मेथड या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड भी कहते हैं। तो सिंपली देख लो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल हम लोग फाइंड आउट करते हैं अपना प्रॉफिट। अब देखो, ये वाला टॉपिक तो हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं याद होगा तो अभी रुको हम तुम लोग को याद कराते हैं। देखो इधर हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, फिर इसको रब कर देंगे, बहुत अच्छे से याद होगा कि ओपनिंग कैपिटल में जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बुक्स बनाते थे फाइनल अकाउंट्स क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम लोग क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल में बहुत सारे एडजस्टमेंट करते थे। जैसे अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई नेट प्रॉफिट हुआ है तो उसको ऐड करते थे, नेट लॉस हुआ है तो उसको लेस करते थे, अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए तो ऐड करते थे, ड्रॉइंग्स हुई तो लेस कर देते थे, एंड अल्टीमेटली हमारे पास जो फिगर आता था बेटा वो किसका होता था, क्लोजिंग कैपिटल का होता था ना। तो बेसिकली हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में से अगर नेट प्रॉफिट माइनस कर दे तो सिंपली आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक। अब एक चीज देखो कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल है इसको हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, बाकी जो भी एडजस्टमेंट दिया रहेगा लाइक ड्रॉइंग्स का और बाकी किसी भी चीज का लॉस का तो वो हम कर देंगे। बट अभी हम इन शॉर्ट बता रहे हैं कि अगर हम क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लें तो बाकी चीजें तो नो डाउट क्वेश्चन में दी रहती है लाइक ड्रॉइंग्स, तो हम उसकी हेल्प से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपली विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट। क्लियर है मेरा पॉइंट, देखो हम इसके लिए कोई नोट्स नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत ही सिंपली यही पे हम टॉपिक बता दे रहे हैं कि क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट। आप सिंपली क्या करोगे बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट बनाओगे ओपनिंग का, क्लोजिंग का, और उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा ओपनिंग कैपिटल एज वेल एज क्लोजिंग कैपिटल। लेट्स से अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है 2010 की एंड 2011 की, तो ये हमारे लिए ओपनिंग ईयर हो गया। इसके लिए जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट बनाएंगे तो इससे हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगा ओपनिंग कैपिटल का, और इससे जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगा क्लोजिंग कैपिटल का। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट अगर ड्रॉ करने की बात करें, ड्राफ्ट करने की बात करें, तो ये बिल्कुल सेम बनता है जैसे बनता है बेटा अपना बैलेंस शीट। हमने बोला कि अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट की बात करें
तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम सबको बनाना आता है, रीजन बीइंग कि हम लोग को बैलेंस शीट बनाना आता है। तो जैसे बैलेंस शीट बनती थी, बैलेंस शीट कैसे बनती थी, अभी कंपनी तो है नहीं, यहाँ पे तुम सोल प्रोप्राइटर की बात करें, तो बैलेंस शीट यहाँ पे सारे फिक्स्ड एसेट डालोगे, यहाँ सारे करंट एसेट डालेंगे, ठीक है। इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट की जगह नॉन करंट एसेट भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ देखो करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज, या हम लोग क्या कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और यहाँ पे कैपिटल, यही करते हैं ना बेटा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट जैसे बनती थी बिल्कुल डिट्टो सेम हमारा बन जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट। बहुत बार बच्चों को ये लगता है कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट बिल्कुल सेम है, सेम नहीं है, सेम फॉर्मेट है, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, बट सेम चीज नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो आइदर बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट, दोनों में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं पहले। चलो ठीक है यही समझा रहे हैं। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना बेटा बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट में, बस ओरली सुन लो, इंस्टीट्यूट की मैट में दिया हुआ है कि अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट की, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट हम सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करते हैं इस मोटिव से कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल की एज वेल एज क्लोजिंग कैपिटल की फिगर हम फाइंड आउट कर सकें, और ना हमारा कोई मोटिव नहीं होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को ड्रॉ करने का। बट अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट का मोटिव क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे, एट अ पर्टिकुलर डेट हमें क्या फाइंड आउट करना होता है बेटा, फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम इसको फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इनका जो मोटिव है ड्रॉ करने का वही अलग है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट बनता है टू फाइंड आउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल ओनली, एंड बैलेंस शीट बनता है सो दैट एट अ पर्टिकुलर डेट हमें उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। इसके अलावा एक और चीज, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट जब हम ड्रॉ करते हैं ना बेटा, तो वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऐसी होती है जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करती है, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करती है। बट बैलेंस शीट बनाते वक्त ऐसा होता है नहीं, बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट के टाइम हमारे पास हर एक इन्फॉर्मेशन को बुक्स में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके बनाया जाता है, क्लियर। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट की मैट देखोगे ना, ये डिफरेंस हमने क्यों बताया, एग्जाम में तो वैसे नहीं आएगा बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए हम थोड़ा बहुत इसको क्लियर कर दे रहे हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट की मैट में देखोगे ना, तो इंस्टीट्यूट के मैट में मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 14.6 है, बल्कि टॉपिक नंबर हम बताते हैं 3.2। वहां पे आप देखोगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट का डिफरेंस दिया हुआ है, जिसमें से बेसिकली हमने फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट कंसिडर किया है, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के बेसिस पे आप इसको बहुत ही इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्लियर है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग ड्रॉ करते हैं टू फाइंड आउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, बट बैलेंस शीट के लिए हमारा मोटिव होता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके, क्लियर, ठीक है। अगर इसमें से कुछ नोट करना है तो कर लो। अब हम बिल्कुल स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलेंगे, उसका पूरा का पूरा हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, अब हम उसकी नोटिंग कराएंगे, तो इसमें से कुछ नोट करना है तो कर लो। अब चलेंगे बेटा नोट की तरफ। सबसे पहले हम लोग नोटिंग कर लेते हैं कि विदाउट प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट पे हम लोग के क्या स्टेप्स होंगे, ठीक है। देखो स्टेप्स हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं, हमारा पहला स्टेप है बेटा कि हम प्रिपेयर करेंगे क्या, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा, हाँ मैम मिल जाएगा। दूसरा स्टेप है प्रिपेयर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए सो दैट हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाए। और हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला लिखवाया था ना, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। बट अब देखो थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि हम हमेशा क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। अब अगर आप इंस्टीट्यूट की मैट में देखोगे तो उन्होंने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, बट कोई बात नहीं, हम कैपिटल अकाउंट ड्राफ्ट कर सकते हैं। रीजन भी हमने बोला ना कि अगर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है तो एक ही फॉर्मेट लेकर के चलो ना, बार बार फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत क्या है। अब देखो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, सबको आता है बट स्टिल एक छोटा सा लेजर बना देंगे, और लेजर में कैपिटल है तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा, बाई साइड, बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैपिटल है, ये कहाँ से आएगा,
ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, फिर क्लोजिंग कैपिटल, टू बैलेंस सीडी, ये कहाँ से आएगा? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसके अलावा अगर क्वेश्चन में किसी भी तरह की ड्राइंग्स दी रहेगी तो ड्राइंग्स से क्या होता है, मेरा ओपनिंग कैपिटल डिक्रीज होता है, देखो हमने डिक्रीज कर दिया ओपनिंग कैपिटल, एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी प्रॉफिट। क्लियर है? हाँ मैम क्लियर। अगर मान लो बाई साइड बैलेंस नहीं आता, टू साइड बैलेंस आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉस हो जाता है ना, बट बस इतना ध्यान रखना कि यही इसका बैलेंसिंग फिगर है और यहाँ ये बैलेंसिंग फिगर है। हमें नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई डाउट होगा, बहुत ही ईजिली ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आ गया होगा। बट इसमें हम एक दो और पॉइंट तुम लोग को बताना प्रेफर करेंगे कि जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट बनाते हैं बेटा, तो दो चीज़ का ध्यान रखना, दो ज्ञान फैक्ट एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि जितने भी हमारे असेट्स होते हैं हम उनको हमेशा शो करेंगे एट कॉस्ट प्राइस। क्लियर? कभी भी हम उसको रीवैल्यू करके नहीं लिखते हैं, ऐसा तो हम बैलेंस शीट में भी नहीं करते। बैलेंस शीट में भी हम हमेशा एसेट्स को किस पर रिकॉर्ड करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कई बार रीवैल्यूड इन्फॉर्मेशन भी दी रहती है किसकी असेट की, बट आपको वो रिकॉर्ड नहीं करना, आपको असेट किस पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट प्राइस पे। और दूसरा इसका एक नोट्स है कि अगर क्वेश्चन में लेट्स से हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस, वेट दूसरा पॉइंट देखो हम यहां लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी है, ठीक है, या किसी भी तरह का कोई पर्सनल असेट्स है और इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो बेसिकली किससे रिलेटेड है बेटा, प्रोप्राइटर से रिलेटेड है, तो इसको हम हमेशा किसकी तरह ट्रीट करेंगे ये देख लो, आइदर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और विथड्रॉल या ड्रॉइंग्स और ड्रॉइंग्स। हमने ये चीज़ यहाँ क्लियर कर दी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन दी है रिलेटेड टू प्रोप्राइटर, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो प्रोप्राइटर है उनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा आया है या उनके किसी पर्सनल असेट से पैसा आया है, तो बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना होगा क्वेश्चन में कि आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, आइदर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और ड्रॉइंग्स। फर्दर जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पॉइंट पे, तो हम इसको और क्लैरिफाई कर देंगे। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट पे जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है क्वेश्चन का, उसमें इसके अलावा और कोई नोटिंग नहीं है, तो पहले इसको नोट कर लो, और उसके बाद जो हमारे पास इंस्टीट्यूट की मैथ में चार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, हम लोग उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन। टॉपिक तो आप लोग को समझ गए, कॉन्सेप्ट हमने पूरा क्लियर कर दिया है। अब सब अपने इंस्टीट्यूट की मटेरियल ओपन करो, एंड पहला चार इलस्ट्रेशन फर्स्ट टॉपिक पे है, ठीक है। और हमने पहले क्लारीफाई किया कि इस टॉपिक पे, दैट इज विदाउट प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, हम कैसे प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए कोई भी क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट इलस्ट्रेशन से। मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 14.7 पे है, अगर आपके पास कोई दूसरी एडिशन है तो आप प्लीज बुक में फाइंड आउट कर लो कहाँ पे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का इलस्ट्रेशन 1 दिया है। तो हम लोग चलेंगे इलस्ट्रेशन 1 पे, पहले हम एज यूजुअल क्वेश्चन रीड कर देते हैं और उसके बाद इसका पूरा प्रेजेंटेशन हम बोर्ड पे बता देंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मिस्टर एक्स। अब यहाँ पे देखो क्लियर किया है मिस्टर एक्स, तो सिंपली हमेशा याद रखना कि जो अकाउंट्स होता है ना फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये दो ही लोगों के लिए जर्नली बनता है, फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड सेकेंड इज पार्टनरशिप फर्म। कंपनीज के केस में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं होती। देखो लिखा है असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मिस्टर एक्स एज ऑन 31/12/2015 एंड 31/12/2016 आर एज फॉलोज। मतलब 2015 की डिटेल दी हुई है और 2016 की डिटेल दी हुई है। हमारे पास सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज को अलग अलग कैलकुलेट करके दिया है। एकदम लास्ट में देखो बेटा क्या लिखा है, कह रहे डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2.5% एंड फर्नीचर बाय 10%, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखोगे ना तो ऊपर क्लोजिंग फिगर उसकी नहीं दी हुई है, मतलब बिल्डिंग और फर्नीचर में एक 31/12/2016 की वैल्यू इसलिए नहीं दी है। आगे कह रहा है वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर वॉज मच्योर ड्यूरिंग द पीरियड एंड द अमाउंट 40,000 इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। अब देखो इसका मतलब ये हम बताए थे ना एक्स्ट्रा पॉइंट, यहाँ पे ये लिखा है कि जैसे अगर मान लो यहाँ पे मिस्टर एक्स प्रोप्राइटर है, तो मिस्टर एक्स के नाम पे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी,
मिस्टर एक्स ने अपनी लाइफ पे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, तो बेसिकली ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसा असेट है? उनका पर्सनल असेट है ना बेटा, बट इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से उनको 40,000 मिला और उन्होंने ये 40,000 क्या किया, रिटेन कर लिया इन बिजनेस, ठीक है? तो हमें इससे क्या मतलब? हमें तो सिर्फ इससे मतलब है कि कहीं ना कहीं 40,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया, और जैसे ही बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगी ना। ये तो हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, जब हम लोग बिल्कुल छोटे थे तब से ये पढ़ते आ रहे हैं कि सिंपली अगर कोई भी पैसा प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू कैपिटल होगी। तो हम लोग इसका इम्पैक्ट कहाँ डालने वाले, कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे एडिशनल कैपिटल के नाम से या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड के नाम से, क्लियर? ठीक है, आगे देखो, बैलेंस शीट में तो उसको कहीं नहीं डालना है ना। नेक्स्ट बोला है कि प्रोप्राइटर टुक एट द रेट ₹2,000 पर मंथ फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंसेस। फैमिली एक्सपेंसेस मतलब क्या हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया, ड्रॉइंग्स मतलब 2,000 × 12 सिंपली कितना हो जाएगा, 24,000, क्लियर है? अच्छा, हमें क्या बनाना है, प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट। एक चीज का ध्यान रखना है, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि अगर कोई भी ड्रॉइंग्स है, एडिशनल कैपिटल है, प्रॉफिट है, लॉस है, तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं बेटा, कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे ना, तो वहां पे हमारे पास सीधे सीधे बैलेंसिंग फिगर आती है ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल की। जहां पे ये जो ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ये आफ्टर एडजस्टिंग होता है। इसमें सारी चीजें एडजस्ट की होती है, क्या क्या, प्रॉफिट एडजस्ट किया होता है, लॉस एडजस्ट किया होता है, एडिशनल कैपिटल अगर आप कोई लेकर के आ रहे हो, अगर आपने कोई ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स की है, तो वो सब कुछ इसमें एडजस्ट किया हुआ होता है, क्लियर है? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बस विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कर लेंगे, और उसके बाद सारी की सारी फर्दर जितनी इन्फॉर्मेशन है वो कैपिटल अकाउंट पे बनाते हैं। तो चलो ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ भी नोट करने वाला नहीं, इसलिए हम रफ कर दें। क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ लिया। इलस्ट्रेशन वन, अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा, प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, दैट इज हमें किसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा, 31/12/2015 का, और दूसरा हमारे पास था प्रिपेयर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो कि 31/12/2015 का है। तो हमने दोनों साथ में बना रहे हैं, दोनों साथ में बनाने से थोड़ा सा टाइम हमारे पास बचेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट। और अब तुम्हें पूछोगे मैम के एग्जाम में हम लोग ऐसे बना सकते हैं, हाँ, हम जितनी भी चीजें क्लास में, हम जितनी भी चीजें बोर्ड पर डिस्कस करते हैं ना, वो इसी पर्पस से डिस्कस करते हैं, वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हो। एज ऑन, पहला है 31/12/2015 एंड 31/12/2016, जैसे बैलेंस शीट बनाते थे बिल्कुल वैसे ही ड्राफ्ट कर रहे बेटा। बस इसमें इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे हम 4 कॉलम की जगह 6 कॉलम बनाने वाले हैं। ये हो गया हमारा लाइबिलिटीज, ये हो गया 31/12/2015, 31/12/2016 असेट्स, 31/12/2015, 31/12/2016। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए फॉर्मेट का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को भी पता है कि हम ये स्किप करेंगे, ठीक। इसके अलावा यहां हम लोग लिख लेते हैं इन रुपीस। अब क्वेश्चन में ना जितनी भी चीजें दी हैं सिर्फ उठा करके यहाँ कॉपी कर देना है। देखो स्टार्टिंग में पहले हम 31/12/2015 को कंप्लीट करेंगे, फिर 16 को। हमारे पास बिल्डिंग दिया है, बिल्डिंग है बेटा 1 लाख की। नेक्स्ट फर्नीचर, और देख लो ये इसी सीक्वेंस में दिया है, पहले परमानेंस के सीक्वेंस में दिया ना कि पहले फिक्स्ड एसेट फिर करंट एसेट, 50,000, देन इन्वेंटरी 1,20,000, और कैलकुलेटर प्लीज सब निकाल लेना, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स 40,000, नेक्स्ट कैश एट बैंक 70,000, और लास्ट है बेटा कैश
इन हैंड कितना 1200। ठीक, आप चलो लाइबिलिटी साइड चलते हैं। देखो लोन्स दिया है तो लोन्स बेसिकली हमारा कौन सा वाला हुआ, लॉन्ग टर्म 1 लाख, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज। और अगर हम लोग बात करें सन्ड्री क्रेडिटर्स की तो ये शॉर्ट टर्म हो गई, दैट इज करंट लाइबिलिटीज 1200 नहीं 40,000। अब देखो सारी की सारी फिगर्स आ गई, चाहे तुम फिक्स्ड एसेट की बात करो, चाहे करंट एसेट की, चाहे नॉन करंट लाइबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या करंट लाइबिलिटीज की, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, कैपिटल आएगा ना। कोई दिक्कत, इसको भी हम फाइंड आउट करेंगे, पहले हम 2016 भी फिल कर लेते हैं। ठीक, अब देखो बिल्डिंग के लिए हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू नहीं दी हुई है, बट नीचे क्वेश्चन में लिखा है कि 2.5% से वो डेप्रिशिएट हो रही है बिल्डिंग। अगर ये 2.5% से डेप्रिशिएट हो रही है, सिंपली कहीं पे भी इसका अलग से कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। अगर ये 2.5% से डिक्रीज करेगी तो कितना हो जाएगा, 2500 से डिक्रीज करेगी, 1 लाख पे 2.5% कितना होगा, कैलकुलेट करके देख लो 2500 होगा, तो बैलेंस कितना बचेगा 97,500। ठीक, अगर फर्नीचर की बात करें तो 10% 50,000 का 5,000 हो जाएगा, तो ये बैलेंस बचेगा 45,000। ये क्लियर है ना, आफ्टर डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, सिंपली यहाँ देख लो, पता चला नहीं समझ में आ रहा हो, 50,000 का 10% डेप्रिसिएशन है, तो 10% कितना होगा इसका 5,000, तो बैलेंस कितना बचेगा क्लोजिंग बैलेंस 45,000। क्लियर है, अब बाकी सब वैल्यूज खाली कॉपी करनी है। इन्वेंट्री दिया है 2,70,000, नेक्स्ट 90,000 डेटर्स है, फिर कैश इन हैंड है 85,000 और कैश एट बैंक है 3,200। इधर देखो लोन्स में हमारे पास 80,000 है और 70,000 है क्रेडिटर्स, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल आएगा। करके देख लेते हैं, 1,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,200, ये आ रहा है मेरा 381,200। इसमें से हम ये दोनों फिगर माइनस करें 1,40,000 की, तो ये बैलेंस आ रहा है 2,41,200। होपफुली तुम लोग का भी ये आ जाएगा। उस साइड का कर रहे हैं, नेक्स्ट साइड 97,500 प्लस 45,000 प्लस 2,70,000 प्लस 90,000 प्लस 85,000 प्लस 3,200, ये आ रहा है 5,90,700। और इसमें से कितना माइनस करते बेटा, 1.5 लाख माइनस करते तो ये आ जाएगा 4,40,700। ठीक है, तो ये बैलेंस है 5,90,700। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन में हमसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अकाउंट पूछा था बेटा, तो वो हमने यहाँ ड्राफ्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में और हमसे कुछ बोला नहीं, तो इसको जल्दी से बनाओ, तो फिर हम लोग सेकेंड इलस्ट्रेशन पे चलेंगे। अब देखो सेकेंड इलस्ट्रेशन अगर हम लोग रीड करें तो हमारा सेकेंड इलस्ट्रेशन क्या है बेटा, टेक फिगर्स गिवन इन इलस्ट्रेशन वन, कि इलस्ट्रेशन वन से ही फिगर लो एंड फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ मिस्टर एक्स। अब तुम लोगों को मिस्टर एक्स का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो हमें इस पूरे से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल। हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि ओपनिंग कैपिटल हमारा आया 241,200 और क्लोजिंग कैपिटल आया बेटा 4,40,700। अब हम इसकी हद से प्रेजेंटेशन करेंगे किसका, सेकंड क्वेश्चन का। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही बेसिकली पार्ट है, इलस्ट्रेशन टू। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो हम यहां लिखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, कि हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं कैसे, बाय प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट, मतलब विद द हेल्प ऑफ कैपिटल अकाउंट हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, प्रॉफिट। चलो कैपिटल अकाउंट बनाना तो हम सिखा ही चुके हैं पहले, और वैसे भी तुम सबको आता है। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, अमाउंट
इन रुपीज या फिर सीधे रुपीज लिख रहे हैं, पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक, अब देखो ओपनिंग कैपिटल आप सबने खुद ही कैलकुलेट किया बाई बैलेंस बीडी, कितना फाइंड आउट किया बेटा, 241,200। ठीक, यहाँ देखो टू क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 440,700, जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन से फाइंड आउट किया था। दो और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसके बारे में हमने पहले बताया था कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा वो बिजनेस में लगा रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, बाय एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कितना बेटा 40,000, और उसके अलावा वो 2,000 पर मंथ की ड्रॉइंग्स कर रहे थे, तो टू ड्रॉइंग्स यहाँ हम लिख दे रहे 2,000 पर मंथ, और पूरे साल का कितना 24,000। आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इसका, कर देते, देखो किस साइड ज्यादा आएगा, बट ऑफ इस साइड, क्योंकि इस साइड 440,700 दिया है, 440,700 प्लस 24,000 ये आ रहा है बेटा 464,700। अब इसमें से ये दोनों फिगर माइनस करो तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो है 183,500, और ये मेरा क्या हो गया, बाई प्रॉफिट, जिसके लिए हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, दैट इज बैलेंसिंग फिगर, ये हो जाएगा 464,700। क्लियर है, इसमें तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत है, बस क्वेश्चन खत्म। इसके अलावा आपको एग्जाम में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा मार्क्स इस क्वेश्चन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, फिर कैपिटल, क्योंकि एग्जाम में जनरली ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स नहीं आते, एग्जाम में हमेशा क्या आता है, एक फुल फ्लैश पार्ट। ठीक, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो चलेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। अगर हम लोग देखें इलस्ट्रेशन थ्री ना, तो इलस्ट्रेशन थ्री की अगर बात करें तो ये पार्टनरशिप का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने बता ही दिया, और उसके साथ साथ जो हम लोग का पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट था, कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का एंड पार्टीज कैपिटल अकाउंट का, उसका पूरा कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, अगर आप लोग को लगेगा कि नहीं मैम एक बार आप बोर्ड पे सॉल्व करवा दो, तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर पूछना मुझसे, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो ड्राफ्ट कर देंगे। ठीक है, चलो अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, जो है हमारा इलस्ट्रेशन फोर, क्योंकि हमने बोला है कि टॉपिक वाइज हम क्लास डालेंगे तो आपकी फोर क्लास में पूरी की पूरी सिंगल एंट्री की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन फोर पहले पढ़ ले जल्दी से। कह रहा था इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ श्री मोती फॉर द फाइनेंशियल ईयर 15-16 एंड 16-17 फील्स दैट श्री मोती हैज नॉट डिस्क्लोज द फुल इनकम। He gives you the following particulars of assets and liabilities of Shri Moti as on 1st April 2015 and 1st April 2017. यहाँ देखो बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, यहाँ हमारे पास information 2015 और 2017 की दी है, मतलब 2015 is starting, 2017 is starting. तो बीच में गैप कितने साल का हो गया, दो साल का। भाई जब मेरे पास अप्रैल 2015 की डिटेल है एंड सेम अप्रैल 2017 की डिटेल है, तो यहाँ टू ईयर्स का गैप है ना, तो ये हम क्यों बता रहे हैं टू इयर्स का गैप, सो दैट ड्रॉइंग्स वगैरह के कैलकुलेशन में आप ध्यान रखो। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था 2000 into 12, बट अगर इस क्वेश्चन में वो ड्रॉइंग्स दी होती तो हम क्या करते 2000 into 24, दैट इज दो साल के लिए। ठीक, आगे देखो 1/4 2015 की पूरी डिटेल दी है एंड सेम फॉर 17। लास्ट में देखो लिखा है ड्यूरिंग द टू ईयर्स डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वॉज 4,000 पर मंथ, तो यहाँ पे आप 4,000 into 12 करेंगे, नहीं मैम 4,000 into 24 करेंगे, और ये कहाँ करेंगे बेटा, कैपिटल अकाउंट में, ये तो तुम लोग को आ चुका है। आगे देखो बेटा क्या लिखा है, द डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स वेयर 1,05,000 फॉर 15-16 एंड 1,23,000 फॉर 16-17। तो ये क्या, ये डिक्लेयर्ड इनकम है। डिक्लेयर्ड इनकम क्या होती है, आपने टैक्स में भी देखा होगा जो फर्स्ट ग्रुप में है, बेसिकली ये जो श्री मोती है जब ये अपनी बुक्स बना रहा है तो उसकी उसके अकॉर्डिंग उसकी इनकम कितनी आ रही है, 2015-16 की उसने इनकम जो डिस्क्लोज की है वो है 105,000, और 16-17 की जो इनकम उसने डिस्क्लोज की है वो है 123,000।
बट एज पर इनकम टैक्स ऑफिसर उसकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए। अब आपकी इनकम ज्यादा है तो नो डाउट आपका टैक्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं इनकम कंसील की है, ऐसा इनकम टैक्स ऑफिसर बोल रहा है। आगे आपको ये स्टेट करना है, स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट। आपको क्लियरली क्वेश्चन में ये बताना है। आप क्वेश्चन में भले कितनी चीजें ड्राफ्ट कर लो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लो, कैपिटल अकाउंट बना लो, बट लास्ट में अगर आपने ये स्टेटमेंट मेंशन नहीं किया कि उनका कंटेंशन सही था, कंटेंशन मतलब उनका उनका जो पॉइंट है क्या वो करेक्ट है, मतलब उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि श्री मोदी ने इनकम डिस्क्लोज नहीं की है प्रॉपरली, उसकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए, तो आपको लास्ट में ये बताना है कि इनकम टैक्स ऑफिसर का कंटेंशन करेक्ट था या नहीं। एक्सप्लेन बाय गिविंग योर वर्किंग्स। वर्किंग शो करनी है तो वर्किंग में हम लोग क्या बनाएंगे, सिंपली हम लोग वर्किंग में बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। ये सब किसका पार्ट है, वर्किंग का। तो अब देखो हम पहले बता दे रहे हैं, तुम लोग अगर मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो ठीक है, अगर सॉल्व कर रहे हो तो बस इस चीज का ध्यान रखना बेटा कि ये जहां हमने इलस्ट्रेशन 4 स्टार्ट किया है ना, वहां स्टार्टिंग में कम से कम 6 to 7 लाइन आप स्किप कर देना। हमने क्या बोला, 6 to 7 लाइन। अब तुम लोग पूछो कि मैम के एग्जाम में भी ऐसे करना होता है, हाँ एग्जाम में देखो सिंपली इसमें ये बोला है ना, स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट। आपको सिर्फ इतना बताना है इस क्वेश्चन में कि क्या इनकम टैक्स ऑफिसर का कंटेंशन सही था या नहीं। तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे क्योंकि वो मेन पार्ट का क्वेश्चन है, और बाकी चीजें कहाँ जाएंगी, वर्किंग न्यूज में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप 6-7 लाइन छोड़ देना, हम भी छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, इतनी लाइन हम स्किप कर रहे हैं। अब यहाँ से हम बनाएंगे वर्किंग नोट 1, और वर्किंग नोट 1 में मेरा क्या बनेगा बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट, ठीक, एज ऑन कब कब के लिए बनेगा, देखो 1/4/2015 एंड 1/4/2017, क्लियर। एकदम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नया नहीं है, हमने ऑलरेडी इसके पहले आप लोगों को पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से बताया है। देखेंगे ये 1/4/2015 है, ये 1/4/2017 है, ये 1/4/2015 है, ये 1/4/2017 है। एक और चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या है, लाइबिलिटीज असेट्स हम मेंशन नहीं करें क्योंकि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा के बताया हुआ है। अब चलो सीधे सीधे क्या करेंगे, बुक से कॉपी करते चलेंगे, कैश इन हैंड जिस सीक्वेंस में दिया उसी सीक्वेंस पे कर लेंगे क्योंकि कई बार वो परमानेंस के फॉलो पे बनती है और कई बार लिक्विडिटी फॉलो करती है। तो कैश इन हैंड पहले दिया है बेटा, कितना दिया है 25,500। नेक्स्ट इन्वेंट्री ये दिया है 56,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स 41,500। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000 एंड नेक्स्ट हमारे पास ये है वाइफ्स ज्वेलरी, उसने ऑलरेडी इसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है 75,000, ठीक। लाइबिलिटीज में देखो एक चीज का ध्यान रखना कि इसमें अब हम लोग परमानेंस फॉलो कर नहीं रहे, लिक्विडिटी फॉलो कर रहे हैं, तो कैपिटल पहले नहीं आएगा, लास्ट में आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है ओइंग टू मोतीज ब्रदर, क्या आप अपने भाई से लोन ले सकते हो, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अपने अपने भाई को लोन दे भी सकते हो, तो 40,000। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया है 35,000, और बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, हम सबको पता है कि बैलेंसिंग फिगर विल बी कैपिटल अकाउंट, इसमें हमें नहीं लगता कि किसी को भी अब कोई दिक्कत है। सेम हम लोग 1/4/2017 की डिटेल्स पे फिल कर ले बेटा, कैश इन हैंड हमारे पास 16,000, अब सिर्फ और सिर्फ कॉपी ही करना है। इन्वेंट्री 91,500 है, कहीं कोई एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं दिया है। डेटर्स 52,500 है, लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग ना एप्रिशिएट हुई ना डेप्रिशिएट, और वैसे भी हम लोग को आर्ट कॉस्ट रिकॉर्ड करना होता है, डेप्रिसिएशन अगर बिल्डिंग का दिया होता तो करते, बट लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता। मोटर कार, अच्छा देखो इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया मोटर कार, तो यहाँ हम लिखते हैं मोटर कार कितना है बेटा, मोटर कार 1,25,000, इस ईयर में नहीं है तो इस ईयर में मत लिख देना गलती से, और वाइफ ज्वेलरी भी 1,25,000 ही है, ठीक। इधर आ जाओ,
ये लोन आपने ऑलरेडी रीपे कर दिया एंड नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 55,000 हो गया। देख लेते हैं और कहीं कुछ दिया है। एक दिया है लोन टू मोतीज ब्रदर। अभी तक क्या था बेटा, लोन लिया था, अब क्या है, दिया है लोन टू मोतीज ब्रदर भी 20,000 दिया है। ठीक है, ये जो लोन दिया है मोतीज ब्रदर, पहले क्या दिया था ओइंग टू मोतीज ब्रदर कि हमने उधार लिया हुआ था, अब हम उनको उधार दे रहे हैं, दैट इज लोन दे रहे हैं। अब देखो बैलेंसिंग फिगर निकालो बेटा, अब बैलेंसिंग फिगर हमारा आ जाएगा 25,500 और नीचे टोटल करके आप लोग खुद लिख लेना। ठीक है, हमने एक बार कॉन्सेप्ट पूरा पूरा बता दिया है, 1,90,000 प्लस 75,000 माइनस 75,000 ये आ रहा बेटा 3,13,000। ठीक है, और उधर का कितना आ रहा है देख लेते हैं, 16,000 प्लस 91,500 प्लस 52,500 प्लस 1,90,000 प्लस 2,50,000, हम दोनों को ऐड कर दिए माइनस 20,000 और माइनस करेंगे 55,000 तो ये आएगा 5,65,000। टोटल होपफुली आप लोग कर ही लोगे, जो भी टोटल आएगा वो बोथ साइड आप लिख देना। ठीक है, तो ये हमारा बन गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट। अब हमें क्या बनाना है बेटा, कैपिटल अकाउंट बनाना है, जो उसको पहले आप लोग ड्रॉ कर लो फिर हम कैपिटल अकाउंट बनवाते हैं। तो ये हमारा वर्किंग नोट वन था, अब हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट टू। ठीक है, अभी भी हमने वो स्पेस छोड़ी हुई है ऊपर, अभी हमें उसको कंप्लीट करना है। हम यहां बनाते हैं आप लोगों के लिए वर्किंग नोट टू, क्या बनेगा बेटा, कैपिटल अकाउंट। सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर रुपीस हम लिख दे रहे हैं फिर से, ओपनिंग कैपिटल तुम लोग खुद कैलकुलेट किए हो अभी मेरे साथ, कितना कैलकुलेट किए थे बेटा 3,13,000 और क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड आउट किए थे, कितना किए थे 5,65,000। ठीक ना, टोटल तो मान लो हम लोग करेंगे। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन दी थी, हाँ दी थी मैम, एक ड्राइंग सी दी थी वो लिख दीजिए, टू ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स में हम सबको पता है कि जो ड्राइंग्स दी है वो 4,000 पर मंथ है और हमारे पास टोटल कितने मंथ से बेटा 24 मंथ्स, क्योंकि 2 साल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 96,000। और क्वेश्चन में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो सीधे सीधे हो जाएगा बाई प्रॉफिट। और ये कौन सा प्रॉफिट बेटा, बैलेंसिंग फिगर, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है, जल्दी से निकालते हैं, देखो कितना आ रहा है 96,000 प्लस 5,65,000 माइनस 3,13,000। तो मेरे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो है 3,48,000। हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है 3,48,000। ठीक है, अब देखो हमें स्टार्टिंग में लिखना क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में जो डिक्लेयर्ड इनकम थी वो यहाँ हम लिखते ऐसे ही लिखनी है, डिक्लेयर्ड इनकम कब कब की दी है 15, 16, 17 कितनी है देखो 1,05,000 और 1,23,000, तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 2,28,000। देखो उसने डिक्लेयर कितनी की है 2,28,000 इनकम उसने डिक्लेयर की है और उसकी एक्चुअल इनकम कितनी है बेटा, आप लोग उधर से कैलकुलेट किए फ्रॉम वर्किंग नोट टू, 3,48,000। तो क्या उसने अपनी इनकम कम डिक्लेयर की है, हाँ कितनी 1,20,000। तो ये क्या है अंडर डिस्क्लोज्ड इनकम, इतनी इनकम उसने अपनी छुपाई है, मतलब उसने इनकम कितनी बताई 2,28,000 बट एज पर हिज बुक्स उसकी टोटल इनकम कितनी आ रही है, टोटल प्रॉफिट 3,48,000, तो उसने टोटल कितनी इनकम कम दिखाई है 1,20,000, या कह लो टोटल प्रॉफिट कितना कम दिखाया 1,20,000,
तो क्या आप देखो मैं स्टेटमेंट लिखना है कि क्या जो कंटेंशन था इनकम टैक्स ऑफिसर का वो करेक्ट था? हाँ, तो क्वेश्चन यही लिखेंगे। देखो क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन में लिखा है वही चीज हम कॉपी कर रहे हैं। द इनकम टैक्स क्वेश्चन के लास्ट में देखना ऑफिसर्स कंटेंशन, ये कंटेंशन किससे रिलेटेड था बेटा, कि जो श्री मोती था उसने अपनी इनकम कम डिस्क्लोज के ऊपर लिखा है दैट श्री मोती हैज नॉट डिस्क्लोज्ड द फुल इनकम इज करेक्ट। ये जो उसका कंटेंशन था उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि श्री मोती ने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज की है, ये क्या है करेक्ट है, ठीक है ये करेक्ट है ना। अब आगे देखो क्या लिखेंगे, श्री मोती's ट्रू इनकम इज इन एक्सेस ऑफ द डिस्क्लोज्ड इनकम, कि जो श्री मोती की इनकम है वो डिस्क्लोज्ड इनकम से कितनी ज्यादा है, बाय रुपीज 1,20,000। क्लियर है, होपफुली पॉइंट तुम लोग को समझ में आया। सिंपली हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट से उसकी प्रॉफिट फाइंड आउट की और जितना उसने डिस्क्लोज किया कंपेयर कर दिया। क्लियर है, तो ये चीज आपको स्टार्टिंग में लिखनी थी क्योंकि क्वेश्चन का मेन पार्ट है और बाकी सब क्या है वर्किंग नोट है। तो देखो पहला चार क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें इलस्ट्रेशन 3 का हमने ऑप्शन दिया है, कि अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछना, हम जरूर बताएंगे। अच्छा, इस पैटर्न के कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मटेरियल में नहीं दिए, कोई बात नहीं, मटेरियल में बेसिक क्वेश्चन दिए थे, कुछ क्वेश्चन हम आपको अपने इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से आप शीट्स डाउनलोड कर लेना, वहां पे क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया होगा। तो पहले क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करना बेटा और उसके बाद आप आंसर चेक कर लेना, बट अगर उसमें भी कहीं कोई डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। अभी हम इसको प्रॉपर नोटिंग का टाइम देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पैटर्न पे क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट क्लास जब हम अपलोड करेंगे तो वो हमारी सेकंड पैटर्न पे होगी, दैट इज विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट। क्लियर है, उसमें तीन पार्ट में हम क्लास बनाएंगे, पहला बेसिक्स, फिर डेप्रिसिएशन एंड देन लैग पीरियड। क्लियर है, चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना, और इसके अलावा आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो सो दैट फ्यूचर में अगर कोई भी चैप्टर हम अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। ठीक है, ये जल्दी से नोट कर लो। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।